कांग्रेस पार्टी में कलह लगातार राहुल गांधी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। ये कलह कई बार रैलियों में भी खुलकर सामने आई, लेकिन 29 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में कोई तमाशा न बने, इसलिए राहुल ने सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि कोई भी अपनी ताकत नहीं दिखाएगा। यहां तक कि राहुल ने गुलाबी पगड़ी पर भी रोक लगा दी है, जिसे हुड्डा समर्थकों ने मान लिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार राजनीतिक समय पर हाशिए पर जा रही है। पिछले 4 सालों में कई राज्यों में हाथ कमजोर हुआ, पार्टी के हार की वजह कहीं न कहीं फूट भी है। कई राज्यों में नेताओं में दो फाड़ की वजह से पार्टी की किरकिरे हुए। कांग्रेस में हरियाणा से ज्यादा घमासान शायद ही किसी और राज्य में देखने को मिला हो। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की आपसी तनातनी खुलकर राहुल गांधी के सामने भी आ चुकी है, जहां दोनों के समर्थक राहुल की देवरिया से दिल्ली की किसान यात्रा के समापन के दौरान हाथापाई पर उतर आए थे। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी पार्टी को इस कलेश से बाहर निकालना चाहते हैं। राहुल नहीं चाहते कि आपसी फूट का फायदा दूसरी पार्टियां उठाए, इसलिए उन्होंने घमासान को रोकने के लिए 29 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस आला कमान ने कहा कि कोई भी अलग से ताकत दिखाने की कोशिश ना करे, कोई भी गुलाबी पगड़ी लगाकर नहीं आएगा। आपको बता दें कि हुड्डा समर्थक पिछली रैलियों में गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर आते रहे हैं और कई मौकों पर अशोक तंवर की हूटिंग करते रहे हैं। इस बार पार्टी का तमाशा ना बने, इसलिए यह फैसला लिया गया। वहीं हाईकमान के इस फैसले को हुड्डा ने तो मान लिया है, खुद हुड्डा ने भी अपने समर्थकों से गुलाबी पगड़ी नहीं पहन कर आने को कहा है। अब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने फरमान तो सुना दिया, लेकिन इसके बाद भी कलह थमती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।